तो भाई अभी इसको हमने खोला है तो इसका क्लच प्लेट बिल्कुल समझ लो जल गया। तो भाई ये दिक्कत कब से आ रहा था? ये दिक्कत भाई कम से कम हो गए 1.5 से 2 महीने हो गए ये दिक्कत आ रही है। 1.5 से 2 महीने हो गए मतलब भाई क्लच प्लेट में एक जरा सा एक बूंद भी ऑयल नहीं, देखो बिल्कुल जैसे कि सूखा चल रहा हो और इंजन में पूरा ऑयल है और वो भी भाई ने 7100 ऑयल डलवा रखे हैं यार, बिल्कुल लाल है। हाँ यार लाल है लाल है। और इसका फ्यूल फिल्टर वगैरह भी हम नया डालेंगे क्योंकि भाई का कहना ये हमने सर्विस कराया कभी फ्यूल फिल्टर वगैरह नहीं डाला और मिसिंग की प्रॉब्लम है, तो स्पार्क प्लग भी नया डालेंगे इसका। उसके बाद भाई देखते हैं फाइनल करेंगे फिर भाई बताएंगे चला के जो कैसे खोला है। सामान बता दिया है भैया भी सामान लेके आएंगे। दूसरी तरफ हमारे पास आज एक और आ चुकी है 250। ये ड्यूक 250 है 390 के, बस इसके ऊपर स्टिकर लगे हुए हैं और कुछ नहीं। ये भी भाई मिसिंग की प्रॉब्लम के लिए आई है, देखो इसकी भी मिसिंग की प्रॉब्लम। एयर फिल्टर देखो भाई जान, एयर फिल्टर ये देखो एकदम जैसे कि मिट्टी के खदान में आए हुए हैं हम, इसके अंदर पूरा मिट्टी भरा हुआ। तो अभी हम खोल रहे हैं इसको, उसके बाद इसका फ्यूल फिल्टर वगैरह भी चेक करेंगे। ऑयल फेंका हुआ है, ये हल्का फुल्का तो हल्का फुल्का ऑयल आया, तो उसका फ्यूल फिल्टर भी हम चेक करेंगे उसके बाद देखते हैं भाई। अभी खोल रहे हैं सलीम भैया, अभी खोल रहे हैं इसको। आ गया अभी उड़ा है जंग लग गया यार, चेन में जंग लगा हुआ है, मिट्टी मिट्टी पूरा भरा हुआ है लग रहा, ऊपर भी खोलूंगा। 8 की गोटी देना गुरु, अरे लंबी वाली दे यार। कितना मिट्टी है, बहुत ज्यादा यार, इससे बाइक टाइट नहीं चलेगा तो क्या होगा। चेन साफ करी ही नहीं होगी, अभी खड़ी है ये, चेन ही साफ नहीं करी होगी। एक महीने पहले सर्विस हुई है भाई का कहना है, तो भाई अभी फिर फोन आया उसका क्योंकि मेरी चल जाती है एक महीने में सही। बिल्कुल हो गया साफ, ये लो ये गरारी पुरानी गरारी है भाई, नहीं हो गई। अब बची चेन, अब चेन की भी करते हैं सफाई भाई, इसको फिट कर देते हैं पहले। भाई ने रूट्स भी लगवा रखे हैं। हाँ हॉर्न बड़ा तगड़ा है भाई, बजा दो तुम्हारे कान पे। वे इधर का ही बज गया, इधर का ही। तो भाई इसका मैं स्पार्क प्लग लगा रहा हूँ भाई, क्योंकि ये देखो पुराना स्पार्क प्लग कभी चेंज नहीं हुआ इसका। कितनी चल गई बाइक? बाइक भाई देखनी पड़ेगी, 35,000 के करीब चल, कम से कम 35,000 के करीब चल चुकी है बाइक। मीटर में होगा? हाँ मीटर में ही होगा। अरे मीटर तो गंदा हो रहा है भाई। अरे प्लग पास बाइकर पन्नी के ऊपर बीट है। और यार क्या ले रहा था मैं, भूल गया यार, कभी कभी भूल भी जाता हूँ यार काम करते करते। और इसका फ्यूल फिल्टर भी देखो भाई, मैंने ओरिजिनल मंगाया KTM का, ठीक है, इस बहुत ज़्यादा गंदा है, ये भी कभी चेंज नहीं हुआ भाई। भाई का कहना है पहली बार टंकी नीचे उतार रहे हैं, तो अब देखते हैं भाई करते हैं। हो गया टाइट, हो गया टाइट, हो गया स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग टाइट हो गया। भाई पुराने वाले में तो बिल्कुल जंग लग गया यार, बिल्कुल खत्म है पुराने वाले तो। अभी हो रहा है फ्यूल फिल्टर फिट, लॉक नहीं बैठ रहा क्या? बैठेगा यार, क्यों नहीं बैठेगा, बिठाओ फिर, बेइज्जती कर रहा हूँ हमारी है, बार वाले करे इससे बड़ी हम ही कर लेना। सुन लो भाइयों, सुनो, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, वो भी कौन, एक ही तुमसे फ्यूल फिल्टर नहीं। हाँ उस्ताद बैठ गया ना, अब लॉक को उसकी लेवल पे ला रहा हूँ ना, इला अब आसानी से बैठ रहा, ये लो। एक इस फोन ने जिंदगी खराब कर रखी है। लगा अंदर, ये लो आसानी से बैठ गया। ओ बधाई हो भाई, लड्डू मंगवा लो भाई। अभी हम लड्डू मंगा रहे हैं भाई, फ्यूल फिल्टर बैठ गया, भाई भी खुश हो गए यार। ये कैसी वायर है? ये वायर नहीं पाए पाइप है, अभी नहीं डाला हूँ। हाँ कैश देंगे,
ये लो बैठ गया ना मोहब्बत में। चलो चाचा को अंड का पूरे खिला भाई। भाई हमने फूड ट्रक प्लेट ओरिजिनल लाया, देखो भाई केटीएम का। पहले थोड़ी दिक्कत हो गई थी हमारे साथ, लोकल सामान आ गया था गलती से, और वो लोकल लगाएंगे नहीं क्योंकि भाई लोकल लगाएंगे जाएगा, इसलिए दोबारा वापस करा के ओरिजिनल मंगाया सामान। ये लो भाई ओरिजिनल की फिनिशिंग ही अलग है यार, चेक करो देखो अलग ही फिनिशिंग है। अब लगाएंगे ना मोहब्बत में। मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और भाई को जाने की तैयारी भी कर रहा हूँ। तो ये हो गई स्टार्ट, और इसकी जो क्लच प्लेट था सर्विस वगैरह था तो सारा काम हो गया, क्योंकि फिल फिल्टर वगैरह भी खराब था। तो हमारे भाई बताएंगे भाई काम कैसा लगा। काम भाई देखो बहुत बढ़िया हुआ, काम में एकदम बढ़िया है, जो भी दिक्कत थी सब दूर हो गई, काम बढ़िया है।